यार कितनी दफा कहा है हेल्दी खाया करो अभी नान तोड़ते रहते हो सालन के साथ नान खा 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 फिर तुम्हें कब्ज हो जाती है फिर नान निकालते निकालते जान निकलने पे आ जाती है गरीब लोग खाते हैं रोटी अमीर लोग खाते हैं सैलड बॉइल्ड वेजिटेबल्स सौते करके खाते हैं सब्जियों को यार इंटरमीडियंट फास्टिंग के बारे में सुना तुमने यार देख तेरी शादी है ना दो महीने में तूने वजन कम करना है तू कीटो ट्राई कर मैं तुझे नंबर देता हूँ एक बंदी का वो ना रोज खाना कीटो के मुताबिक बना के घर डिलीवर कर देती है खाया नहीं जाता लेकिन खाना पड़ता है अगर शादी पे कम वजन चाहिए तो नहीं नहीं यार आप लोग जाओ बाहर मेरा मूड नहीं है मैं जंक फूड नहीं खाता सॉरी मैं आजकल जरा हेल्दी खा रहा हूँ तो मैं घर पे ही समोसा चाट बनाने लगा लगाऊँ जरा भाई सात रंग के फल ना ना हो मेरे लंच में तो मैं लंच नहीं करता मैं भूखा रह लेता हूँ दोपहर तो का खाना मैं घर से लेके जाता हूँ दफ्तर की कैंटीन में तो कभी गया ही नहीं मैं क्यूँकी वहाँ पे दफ्तर के गरीब सोच वाले लोग आए होते है ना बाकी लोग जिनको रोटी सालन चाहिए बस अमीर आदमी अपना घर से लंच लेके आता है भाई भाई मैं किसी की शादी में भी जाता हूँ ना जब तो मैं अपना खाना साथ लेके जाता हूँ गरीबों की तरह नहीं के असी फला दा खान चले नहीं भाई हम शादी अटेंड करने जाते हैं किसी की खुशियों में शामिल होने जाते हैं खाना खाने नहीं जाते हम अपने घर पे बड़ा हेल्दी खाते हैं ऑलरेडी ठीक है ना यार मुझे लगता है आप ना चाय बहुत ज्यादा पीते हैं इसलिए आपका वजन कम नहीं हो रहा बारह कप पीते हैं चाय के अल्लाह माफ करे अस्त फरल्लाह क्या आप ट्रक ड्राइवर है देखा ना गरीबों वाला प्रोफेशन आपका कुछ नहीं हो सकता ये दूध वाली चाय में है ही मेरी बीमारी हम तो अपने घर पे ग्रीन टी बनाते हैं थोड़ा लेमन भी छिड़कते हैं उसके अंदर ना ये ड्राइवरों वाली चाय पी के अगर हम कभी सो जाए तो हमारा तो रात को ट्रक ही उलट जाता है आपने तो मुझे लगता है आप हारे से मर जाना क्या आप वाकई सुबह सुबह नाश्ते में बट के छोले खाते हैं रेडी पे खड़े होके आप जिंदा कैसे हैं? आपको मर जाना चाहिए हम तो भाई नैंडोस से नाश्ता करते हैं ब्राउन के ऊपर जरा सा हनी डाल के ना साथ स्ट्रॉबेरी की टॉपिंग डाल के खाते हैं ऊपर हम ड्रिंक्स में तो हम सुबह सुबह अपनी कॉकटेल बनाते हैं रेनबो कलर्स के फ्रूट्स लेते हैं उनको ग्राइंडर में मिक्स करते हैं थोड़े अंगूनी की लस्सी पी के लसी हो गए बाद चो गैस गोडे चो बड़ी उतर दिमाग नु पहुंच गई पहली बात पिज्जा नहीं होता पिज्जा होता है दूसरी बात ये अनहेल्दी होता है ये हेल्दी नहीं होता तीसरी बात ये कि आई डोंट लाइक पिज्जा तुम्हारी फूसी की कितनी गंदी बू आ रही है जरूर तुमने कोई देसी खाना खाया होगा नान चने तुम तुम के खाओगे नहारी के साथ तुमने है तुम फ्रूट्स नहीं ना खाते जो लोग फ्रूट्स खाते हैं उनकी पदों की खुशबू ऐसे जैसे परफ्यूम होता है कोई हम तो अपना परफ्यूम भी नहीं खरीदते बस अपने ऊपर ही पद मार के ना ऐसे मान लेते हैं ऐसे ऐसे करके इट्स सो इकोनॉमिकल यू नो फ्रूट्स खाया करो बेटा देर इज अ रीजन के कहा जाता है की सबर का फल मीठा होता है कभी तुमने सुना कि सबर की लस्सी मीठी होती है या सबर के नान चने अच्छे होते हैं नहीं सबर का फल मीठा होता है फ्रूट्स खाया करो इसलिए बेटा खुराक में बैलेंस होगा तो जिंदगी में भी बैलेंस होगा मोबाइल में बैलेंस हो ना हो देखो अमीर लोग तो फिर भी लाइपोसेक्शन अफोर्ड कर सकते हैं तुम गरीब हो तुम क्या करोगे अपनी डेली लाइफ में फ्रूट्स इस्तेमाल नहीं करोगे तो सारी जिंदगी फ्रूटलेस हो जाएगी